नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है क्रेजी फिलोसफर ऑफिशियल के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कोट्स पोस्ट करता हूँ जो आपको ये लाइफ में एक वे देंगे कि यार मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे मेरे को गो विद द फ्लो आगे बढ़ते जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यार, व्हाट इज़ नो कॉन्टैक्ट रूल? आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है? किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना सामने वाले इंसान के साथ, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आप अभी एक रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं पे भी हो आप, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, ना तो कॉल्स के थ्रू, ना मैसेजेस के थ्रू, ना सोशल मीडिया के थ्रू, ना मीटिंग्स, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मतलब नो कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। ठीक है, कोई टच में नहीं रहना, सब कुछ किनारे कर देना है कुछ टाइम के लिए। अब वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए करते हो आप, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। जो सबसे मोस्ट पावरफुल टेक्निक या फिर टूल माना गया है वही है आपका 30 डेज़ के लिए, कि 30 दिनों के लिए आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। एंड इट रियली वर्क्स, इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। तो सच में हेल्प करता है ये लोगों को आपके रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। अगर सामने वाले इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देता है, तो उस केस में भी। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट रूल, कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सामने वाला इंसान आपकी कदर नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, आप कुछ ज़्यादा अवेलेबल रहते हो उसके लिए, वहाँ पे ये नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कैसे? अब होता है क्या है कि आप किसी इंसान के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहते हो हमेशा, उससे क्या होता है आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है, आपको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल पाती, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती आपके रिलेशनशिप में। तो उसके लिए है नो कॉन्टैक्ट रूल। ठीक है, कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपने कुछ टाइम के लिए, अगर सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी जगह है, देन इट इज़ गोना वर्क फॉर यू। अगर थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है उसके दिल में आपके लिए, तब फिर भूल जाइए आप, यह काम करेगा आपके लिए। थोड़ा सा भी है प्यार, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है, थोड़ी सी भी इज्जत है, थोड़ी सी भी दिल में जगह है उसके आपके लिए, काम करेगा मेरे दोस्त। ये है, ये कुछ टाइम के लिए आपको बात नहीं करनी है, ना कॉल्स करने हैं आपको, ना मैसेज करने हैं, स्पेस देना है, टोटली स्पेस देना है आपको। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कितने दिन का स्पेस दे सकते हैं, 3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। आई नो इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये करना, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और किसी ऐसे इंसान से बातें ना करना जिससे आप सच में बातें करना चाहते हो, जिसको सच में आप मैसेज करना चाहते हो, जिसको सच में आप कॉल करना चाहते हो, जिसे सच में आप मिलना चाहते हो, ये सब ना करना, इट हर्ट्स अ लॉट। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ आज आपको हर्ट कर रही है, तो आपको पता है कि अगर वो चीज़ मेरे को आगे चल के मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाली है तो मैं करूँगा। अगर मैं आज सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, 1 महीने से मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, ठीक है जी, और फिर मेरे को लग रहा है कि यार ये तो बहुत मुझे हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हर्ट हो रहा हूँ इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा मेरे को दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ सकता सुबह, मैं इतना अपना ये कम्फर्ट लेवल नहीं छोड़ सकता, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट मेरे को पता है कि अगर मैं सुबह 6 बजे तक उठ रहा हूँ, 1 महीने तक उठने के बाद मेरी सिचुएशन क्या होगी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, मेरी हेल्थ कहाँ पे जाएगी, बहुत बेटर होगा, मैं खुद के बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद की भलाई के लिए कर रहा हूँ, खुद की अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप ये चीज़ें कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, खुद की भलाई के लिए कर रहे हो, खुद के रिलेशनशिप को सेव करने के लिए कर रहे हो, कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, इज्जत बढ़ने दो, थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम होने दो, थोड़ा सा स्पेस आने दो अपने रिलेशनशिप में, कि सामने वाले इंसान को भी रियलाइज़ हो कि हाँ भैया आप भी हो, आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी रेस्पेक्ट है, समझ रहे हो आप, कि उधर से भी रिस्पॉन्स आए आपके लिए, हाँ जी कैसे हो, ये चीज़। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझो, दर्द तो करता है मेरे दोस्त किसी ऐसे इंसान से बात ना करना जिससे सच में आप बात करना चाहते हो, जिसको सच में आप सोचते रहते हो, लेकिन कुछ समय के लिए ना करना वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए लाभकारी है, वो आपके लिए अच्छा है। कई बारी चीज़ें
टेम्प्रेरी बेस पे हमारे लिए बुरी होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो टेम्प्रेरी बुरा लगेगा, टेम्प्रेरी हर्ट होगा, लेकिन लॉन्ग रन के लिए परमानेंटली आप क्योर हो गए। समझ रहे हो आप? इस चीज़ का ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।